चौरान बस स्टैंड पर मीट विक्रेताओं को उनकी जगह से बेदखल तो कर दिया गया है, लेकिन हड्डी मिल पर जो उन्हें नई जगह दी गई है वहां जाने से मीट विक्रेताओं ने तौबा कर ली है। दरअसल हड्डी मिल पर बिजली पानी सहित अन्य सुविधाएं मौजूद नहीं है, यही वजह है कि नई जगह मीट कारोबारियों को रास नहीं आ रही। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे मीट विक्रेताओं ने हड्डी मिल से इतर दूसरी अन्य जगह पर उन्हें बकायदा दुकान बनवा कर देने की मांग कलेक्टर के सामने रखी, जिसे कलेक्टर ने सिरे से खारिज कर दिया। पुरानी नगर पालिका में पड़ी जगह बुरा पड़ा हुआ है वहाँ पे है, और क्या नाम घोसीपुरे में भी जगह पड़ी है, पर हम हड्डी मिल पे नहीं जाना चाहते। हड्डी मिल पे हम बिल्कुल, अभी आप लोग कहाँ लगाते थे? हम आरन बस स्टैंड पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाते। अब पानी लगाने दे रहे, शनिवार फटा दीवार तोड़ फोड़ कर दी, तार फेंसिंग के तार की दुकान लगा, मछली की तो अभी आपको कहीं जगह दिएगा फिर? नहीं नहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करी हमारी, और हटा लिया। और कह रहा है कलेक्टर साहब के पास आया, आपने आवेदन दे दिया कलेक्टर? दे दिया कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब ये कह रहा दुकान बना के हम नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? शशि भाई। आपने आपके मत्स्य विभाग में शिकायत की क्या पहले कभी इस तरीके की? कहाँ पे? मछली पालन विभाग में शिकायत, कुछ भी नहीं करा किसी ने, कुछ नहीं करा। हमको 30-35 साल हो गए, 3 लाख हम ना गए थे।